सेकेंड हैंड फोन परचेज करने टाइम भाई काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मतलब काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा होता है कि फ़ोन जो परचेज़ कर रहे हैं कैसा फ़ोन होने वाला है, कैसा परफॉर्मेंस रहने वाली है। मतलब ऐसा तो ना हो कि फ़ोन लेने टाइम सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर जैसे फ़ोन लेके जाए और यूज़ करना स्टार्ट करें तो फ़ोन में भाई बहुत सारी कमियाँ निकलना स्टार्ट हो जाए, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर हमारी भी गलती है भाई, जब हम फ़ोन परचेज़ करने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम भाई ऊपर ऊपर से फोन को चेक कर लेते हैं। नॉर्मली हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं, कैमरा चेक कर लेते हैं और स्पीकर वगैरह चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें लगता है सब कुछ ठीक है, हम फ़ोन को परचेज़ कर लेते हैं और अच्छे से पैसे वैसे देकर परचेज़ कर लेते हैं, पैसा देना पड़ता है भाई। लेकिन क्या हम बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं भाई, जब भी हम सेकंड हैंड परचेज करते हैं वहाँ पे दो मेन चीज़ होती है भाई जिसको लगभग 99% लोग भाई कभी ध्यान ही नहीं देते उस चीज़ पे। पहली चीज़ ये भाई, जब भी आप सेकंड हैंड फोन परचेज करते हो तो आप कभी चीज़ सोचते नहीं हो भाई कि वो फोन जो हम ले रहे हैं कि वो फोन चोरी का है या मतलब सही ओरिजिनल सामान है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये गाइस कि फोन में हम ऊपर ऊपर जो देखते हैं सब कुछ हमको सही लगता है, पर असल में भाई फोन के इंटरनल में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो, आपके वाईफाई हॉटस्पॉट अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हो, सकता है कि आपके फोन का डिस्प्ले को एक हिस्सा का जो टच होता है अच्छे से काम नहीं कर रहा हो। तो कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होती है भाई जो आप थोड़े दिन यूज करने के बाद ही पता लगाओगे। लेकिन अगर आपको फोन परचेज करने टाइम ये सब चीज़ पता लगाना भाई तो एक सिंपल सा सेटिंग होता है, जब तक वो चीज़ आप नहीं चेक करोगे भाई तो कभी भी आपका फोन में ये पता नहीं लगा सकते भाई आपके फोन में क्या प्रॉब्लम होने वाली है जो आप सेकंड हैंड परचेज करने वाले। और वैसे भी जब भी कोई आदमी सेकंड हैंड फोन परचेज करता है उसके पीछे दो ही रीज़न होती है। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि कोई अच्छा सा फोन, अच्छा फ्लैगशिप ब्रांड का फोन या अच्छा स्पेक्स वाला फोन कम से कम प्राइस में मिल जाता है तो हम फोन ले लेते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारे पास अगर पैसे की कमी होती है जहाँ पे हम नया फोन परचेज नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में हम काम चलाने के लिए सेकेंड हैंड फोन परचेज कर लेते हैं ताकि हमारा कैसे भी काम चले। दो चीज़ जानते हैं जिसकी वजह से कभी भी आप गलत फोन परचेज नहीं करोगे सेकेंड हैंड में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो फोन जो आप परचेज कर रहे हो वो चोरी का है या नहीं, ठीक है। तो सिंपल है गाइस, कभी भी आप फोन परचेज करने जाओ तो उससे भाई हमेशा फोन का बिल मांगो, ठीक है। फोन भले कितना ही पुराना क्यों ना हो, सकता है फोन वारंटी से बाहर निकल गया हो, लेकिन उसके बावजूद आप फोन का बिल हमेशा मांगो ही मांगो। इससे सिंपल क्या होगा, अगर आपके फोन का बिल आपको मिल जाएगा तो वहाँ पर आप अच्छे से मैच कर सकते हो कि जिससे आप फोन परचेज कर रहे हो उसका, उस बंदे का नाम फोन के बिल पर मेंशन है या नहीं, उसने फोन कब परचेज किया, कौन से सेलर से परचेज किया, ताकि आपका पूरा अच्छे से डिटेल आ जाए, प्रूफ आ जाए कि आप जिस बंदे से फोन परचेस कर रहे हो वही भाई इस फोन का मालिक है, कोई और मालिक नहीं है, ठीक है। या मान लो उसके पास अगर बोल रहा है मेरा हार्ड कॉपी खो गया, कोई भी मतलब बिल नहीं है मेरे पास खो गया, तो उस कंडीशन में कम से कम उससे भाई बिल का फोटो भी जरूर मांगो कि कम से कम बिल आप देख के वहां पर मेंशन सबको अच्छे से मिला लो ताकि बाद में आप गलती नहीं करो। लेकिन उसके पास ना हार्ड कॉपी है ना सॉफ्ट कॉपी है बिल का भाई, तो उस कंडीशन में कभी भी भाई कितना भी सस्ता फोन दे कभी भी फोन से परचेज मत करना, हो सकता है चोरी का फोन हो। FIR अगर एक्चुअल आदमी ने कर दिया भाई तो भाई आपको उठा के ले जाइए पुलिस। तो कभी भाई इस चीज को चेक करके फोन परचेज करना। या मान लो भाई उसको अगर आपको बिल वो दे दिया तो आपको नाम वाम मिला लो, डेट मिला लो परचेज डेट और कौन से सेलर से परचेज के भी मिला लो। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है वो होता है फोन का IMEI नंबर मिलाना। हर एक फोन का एक नंबर होता है, दुनिया के जितने फोन भाई सबके अलग अलग नंबर होता है, ठीक है। तो सिंपल क्या करो, आप उस हर एक बिल पे फोन का IMEI नंबर लिखा होता है, उस IMEI नंबर को आप फोन में एक नंबर डायल करो *#06#, जिसे डायल करोगे तो फोन का भी जो IMEI नंबर होगा वो फोन पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बिल पे IMEI नंबर लिखा हो वो और जो फोन पे आपको IMEI नंबर निकला अभी वो दोनों के IMEI नंबर को अच्छे से एक एक नंबर को मिलाते जाओ। अगर पूरा नंबर अच्छे से मिल गया तो समझो भाई फोन परफेक्टली फाइन है, फोन बिल्कुल चोरी का नहीं है और फोन का जो बिल एक्चुअल बिल वही एक्चुअल बिल है। पर अगर IMEI नंबर में गलती हुआ भाई तो समझ लो भाई वहाँ पे फोन चोरी का हो सकता है। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं एक फ़ोन परचेस किया था, मुझे किसी और फोन का बिल दे दिया गया, पर जब मैं सर्विस सेंटर में ले गया तो वहाँ मुझे पता चला भाई ये उस फोन का बिल नहीं है। तो ये चीज़ आप गलती मत करना भाई, इस चीज़ भाई बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना। तो IMEI नंबर मिलाना, फोन जिससे आप परचेस किया उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका जो परचेस डेट है और कौन से सेलर से परचेस किया है, ये सब कुछ मिला लो। यहाँ पे बिल्कुल ओके हो गया तो समझ लो भाई अब फोन को परचेस किया जा सकता है। लेकिन यहां पे अब सवाल ये आता है कि हम जो फोन परचेस कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे पता लगाएं कि फोन में क्या सब प्रॉब्लम है। तो सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, हर एक आदमी को पता होना चाहिए चीज भाई। आप क्या करो, जो फोन आप परचेस कर रहे हैं उस फोन के सेटिंग में जाओ। फोन सेटिंग में जाने के बाद आप अबाउट फोन सेक्शन में क्लिक करो, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आप एक ऑप्शन होगा कर्नल वर्जन, ठीक है, कर्नल वर्जन होगा। लेकिन अगर आपके पास MI का फोन या पोको का फोन है उस कंडीशन में आपको अबाउट फोन में जाने के बाद ऑल स्पेक्स पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर नीचे में आपको दिखेगा कर्नल वर्जन, वहां पे आप 4 से 5 बार टैप करो। जैसे आप टैप करोगे तो आपको पूरा लिस्ट खुल के आ जाएगा स्पेसिफिकेशंस वाले, मतलब कि कैमरा के, ब्लूटूथ के, वाईफाई के, 3.5 ऑडियो जैक के, चार्जिंग, हर एक चीज का वहां पर लिस्ट खुल के आ जाएगा। वहां पे बारी बारी से हर एक चीज पे क्लिक करते जाओ और चेक पे क्लिक करते जाओ। फोन खुद ब खुद खुद को चेक करेगा फोन और चेक करके बता देगा भाई क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है। हर एक चीज को बार बार चेक करोगे भाई, जो चीज आपको लगता है कि बिल्कुल सही है या यहां तक कि जो चीज जो फोन आपको बेच रहा है उसको भी लगता है बिल्कुल सही है भाई, उसका भी गलती आप अच्छे से पकड़ा जाएगा कि फोन में क्या दिक्कत है। जैसे
अच्छे से चेक कर लोगे आपको पूरा अच्छे से अंदाजा हो जाएगा फोन में कहाँ दिक्कत है क्या दिक्कत है, अच्छे से अंदाजा लग गया भाई उस बार आप डिसाइड करो भाई आपको फोन परचेस करना है कि नहीं करना है। अगर सब कुछ सही हुआ तो फोन परचेस कर लेना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव बनाया है मैंने, मतलब सब्सक्राइब कर देना, बीच में सब्सक्राइब क्यों लिखा है अभी मैं समझ में नहीं। तो ये दो चीज़ हमेशा हमेशा दो चीज़ भाई चेक करना ही करना, IMEI नंबर को मिलाना, फ़ोन का जो सेलर का नाम, फ़ोन का जो सेलर का नाम उस बंदे का नाम बिल पे होना चाहिए, सेलर का जिसे वो परचेस किया जहाँ से उसका नाम होना चाहिए, शॉपकीपर का नाम या सेलर का नाम, और उसका भाई ये चीज़ जो मैंने बताया आपको डिस्प्ले वगैरह बैटरी वगैरह अच्छे से चेक कर लो, यहाँ ओके हो तो भाई तो 100% फ़ोन परचेस कर लो। कभी भी लाइफ में आप गलत फ़ोन परचेस नहीं करने वालों, ये दो चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। वैसे बस इस वीडियो में यहाँ तक थे, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, कुछ भी पूछना है इंस्टाग्राम में पूछिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी नेटवर्क, हम प्राइवेट में बात कर सकते हैं, या अगर आपको कमेंट में पूछना है तो कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 101% करने वाला हूँ। तो गाइस बस मेरा नाम अमानुल्लाह और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी नेटवर्क, तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।